कथा यहां से। और इसके बाद देखिए ऑन साइड पे यहां पर मिड विकेट पर फील्डर है, यहां पर बढ़िया कैच लेते हुए यहां पर, और कहते हैं ना इसे मीठा खाने का मन था लेकिन पास में कागज का नोट कम था, और मंगेश का देखिए छक्का लगाने का मन था लेकिन शॉर्ट सिलेक्शन में एलिवेशन कम था, एलिवेशन कम था, एलिवेशन कम था, एलिवेशन कम था, मंगेश का सोच था कि यहाँ पर एक अच्छा टोटल रखा जाए, पिछले मैच की तरफ थोड़ा नजर घुमाएंगे, यहाँ पर पिछला मैच में बात करेंगे तो यहाँ से 38 का टारगेट था और वो भी डिफेंड किया गया, खास करके देखिए बात करेंगे आज दिवे उड़ना होगा टीम। और ये चलिए दूसरा विकेट आते आते ही देखिए यहाँ पर झटका लगता हुआ यहाँ से, और इसे कहते हैं दिल गलती कर बैठा भी, और 5 रनों के ऊपर दूसरा विकेट खोते हुए। उगट टीम के कप्तान तैयार रहिए सेकंड राउंड के, यहाँ पर इसके बाद मैच खेला जाएगा साई स्पोर्ट्स कारबाव के साथ है। बड़ा अच्छा गेंद देखिए यहाँ से, कहते हैं ना मेहंदी रंग लाता है सूख जाने के बाद, और गेंदबाजी हावी हो जाता है उसे सफलता मिलने के बाद। पहला ओवर चलता हुआ यहाँ से, दिक्कत परेशानी थोड़ा सा बना रहे हैं गेंदबाज मयूर देखिए एकदम से और चढ़ में रखे थे गेंद यहाँ पर शॉर्ट मिड विकेट पर, देखिए यहाँ पर एकदम छोटा सा नन्ना देखिए बहुत कम उम्र में देखिए मैदान में उतरते हुए, हिम्मत की दाग देनी होगी भाई। सीजन क्रिकेट भी खेलते हैं निश्चित रूप से, तो चलिए यहाँ पर 8 साल क्या बात है, हम जल्ले सर अंदाजा ही नहीं लगा सकते हो आप 8 साल की उम्र में देखिए क्या बढ़िया कदम रखते हुए टेनिस क्रिकेट में, और वो भी देखिए शॉर्ट मिड विकेट पर बहुत बड़ी काम देखिए यहाँ पर नहीं होना चाहिए। पहला ओवर का खेल समाप्त होने के साथ साथ टीम का स्कोर बात करेंगे, 6 रन बनाए हैं, 2 विकेट गंवाए यहाँ से। गेंदबाजी की बात करें गेंदबाज देखिए प्रतीक और स्ट्राइक पर देखिए आदेश, और पहला ओवर में देखिए केवल 6 रन आया है। कहते ना जिंदगी में कुछ पाना है तो सिर्फ तरीका बदलो इरादा नहीं, और देखते हैं यहाँ कौन सा तरीका बदलते हैं। गेंदबाजी के लिए तैयार देखिए गेंदबाज यहाँ से, प्रतीक देखिए आते हुए लेकिन स्ट्राइक पर बैटर की बात करेंगे, आदेश देखिए यहाँ पर स्ट्राइक पर बल्ला थोड़ा सा जल्दी लेते हुए यहाँ से, वेरिएशन देखिए बहुत बढ़िया दिखाते हुए गेंदबाज, पहला गेंद देखिए ऑफ स्टंप से बाहर रखे और गति बिल्कुल नहीं थी, जहाँ पर बहुत जल्दी
बल्ले की बात करेंगे, बल्ला देखिए यहाँ पर, और चलिए और एक बार देखिए, सफल होकर खेलना चाहते थे यहाँ पर, बाल बाल बचते हुए यहाँ से एक एक रनों से कहा जाता है ना, कभी कभी टोटल आगे पहुंचता है, एक एक रनों से मैच जीता जाता है, एक एक रनों से मैच को बचाया जाता है। गेंदबाज फिर से एक बार छोटा रनअप के साथ है। आगे निकले कदमों का इस्तेमाल है और नतीजा देखिए, रिजल्ट वही आता हुआ यहाँ पर, तीसरा विकेट गिरता हुआ। कहते ना, सूरज जब डूबता है तो लाल लाल हो जाता है, अगर किसी टीम का विकेट शुरुआत में ऐसा गिरता है तो फिर उसका हाल बेहाल हो जाता है। एक रन आता हुआ यहाँ पर, एक एक रनों से देखिए टोटल तो आगे पहुंचेगा, लेकिन एक अच्छा टारगेट तक पहुंचना है। तो कहते ना, धूप कितना भी तेज हो कभी समंदर को सुखा नहीं सकता, आप सिंगल डबल से कितना भी कोशिश कर लीजिए, अच्छा टोटल नहीं मिल सकता है, थोड़ा सा खराब क्रिकेट कहूंगा यहाँ से, क्योंकि डॉट गेंद देखिए बात करेंगे, चार ओवर के मैचेस में बहुत बड़ा देखिए दर्द देकर जाता है, जितने डॉट गेंद खेलेंगे उतना दिक्कत पूरी टीम को पहुंचेगी भाई। बल्ला डॉट गेंद देखिए, एक बैटर खेल लेता है लेकिन दबाव पूरी टीम को रहती है, जिससे कहते ना, चोट लगा तुझको तो दर्द मुझे होता है, और ये क्रिकेट में अक्सर ये चीज होता है, इसलिए ये खेल 11 खिलाड़ी यानी 12 खिलाड़ी को लेकर खेला जाता है। दोपहर का खेल समाप्त होने के साथ साथ टीम का स्कोर देखिए पहुंचा है 8 रन, और क्या कमाल का उभर रहा है यहाँ पर, 2 रन एक सफलता हाथ लगती हुई, लेकिन अभी भी देखिए 12 गेंद बचा हुआ है, अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। कहते ना, समंदर को शांत देखकर ये मत सोचिए कि उसमें जान नहीं है। आठ रन बनाए यहां से, और अभी देखिए अंतिम 12 गेंद बचे हैं, और गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज विश्वजीत, समंदर में मुट्ठी भर शक्कर डाल देने से उसमें नमक कम नहीं हो जाता है। स्ट्राइक पर देखिए दीप्त यहाँ पर से मिड विकेट पर खेला गया, जब तक गेंद को रोक लिया जाता तब तक देखते दो दोनों बैटर्स बड़े इत्मीनान के साथ देखिए दूसरा रन कंप्लीट करते हुए यहाँ से, और 2 रनों के साथ टीम का स्कोर पहुंचा है देखिए यहाँ से 10 रन। पिछला मैच देख लीजिए 38 का टारगेट था, उसके बाद कसी हुई गेंदबाजी, तो कम से कम देखिए यहाँ से बता रहे हैं स्कोर कार्ड के 30 के ऊपर 35-40 के करीब पहुंचना जरूरी है। और एक देखिए यहाँ से डॉट गेंद निकलता हुआ, और जितनी यहाँ से देखिए डॉट गेंद खेलेंगे ना उतना मुश्किल बनेगा। फाइनल डे है, यहाँ से मेहमानों का तादाद बढ़ेगा जिसका इंतजाम किया जा रहा है। गेंदबाज के लिए गेंदबाज फिर से एक बार तैयार, बल्ले का लिया बाहरी किनारा यहाँ पर, ये चलिए भाई पैर में रोकने का कोशिश है, रन नहीं आ रही थी, अब थोड़ा सा यहाँ पर रन कैसे भी आए, बल्ला से कैसे भी छुए बाहरी किनारा लिया और चौका देकर गया।
गेंदबाज फिर से एक बार तैयार। और ये चलिए भाई उछाल दिया है हवा में, गेंद है, फील्डर है, बन जाएंगे दर्शक। आखिरकार देखिए बड़ा हिट आता है यहाँ पर, 13 का फूल 17 का माला, झुकेगा नहीं साला बुरी नजर वाला, ठोक डीजे वाला। सेवन की गोली बहुत पावरफुल होती है और ये पावरफुल छक्का था, मिडविकेट के ऊपर से खेला गया था। देखिए एकदम से पावर डाले थे। चलिए कप्तान से टॉस के लिए तैयार रहिए, आई थे भी ओडू नौगट टीम के कप्तान से, क्योंकि इसके बाद देखिए अंतिम ओवर टॉस किया जाएगा, टॉस बॉक्स पर छोड़ना होगा। और घर की टीम देखिए बात करेंगे, साई स्पोर्ट्स कार बाउट टीम इन एक्शन में, देखिए अगले मैच में देखेंगे यहाँ पर गेंदबाजी के लिए आते हुए। हरी जोशी देखिए भाई बात करेंगे, चाहे बल्ले में लीजिए चाहे गेंदबाजी में लीजिए, टीम के लिए बहुत बड़ा योगदान रहता है। लेकिन से स्ट्राइक पर इस वक्त बैटर्स और एक देखिए सीधा स्ट्रेट खेलते हुए, क्या फील्डर थे लेकिन बन गए दर्शक, क्या कमाल का। देखिए यहां से रन आता हुआ चौके के साथ स्कोर पहुंच गया 32-32 रन। बिने के बल्ले से छक्का था लेकिन उसके बाद देखिए हेमंत स्ट्राइक पर आते हुए चौके दागते हुए भाई स्कोर देखिए बड़ा तेजी से पहुंचता हुआ 32 रन। तभी तो मैंने जिक्र किया था भाई कि समंदर में मुट्ठी भर शक्कर डाल देने से उसमें नमक नहीं कम हो जाता है। और आपने शुरुआत में 2 विकेट झटका दिए लेकिन अभी भी देखिए एवरेज रन रेट की बात करेंगे जो पिछला मैच में हमने देखे थे 40 के अंदर रोका गया था, लेकिन उसके बावजूद भी उस टोटल को डिपेंड किया गया। अब 32 रन बनाए, 5 गेंद अभी भी बचा है भाई, लेकिन ये साझेदारी जिस तरह से घातक साबित हो रहे हैं। चलिए हम जो सर क्या हो रहा है, अगर गेंद में ज़्यादा खराबी है तो फिर दूसरा गेंद लीजिए, नया गेंद मिलेगा आपको। किसी भी हालत में गेंद गुम होता है, टूटता है, फूटता है। आजकल वार पे देखिए ऐसा होता है गेंद को। तो चलिए अब 5 गेंद बचाए इस इनिंग का और इस बार देखिए ऊंचाई ली है, लंबाई की कमी है। ओ फील्डर देखिए भाई बहुत बड़ी गलती यहां से, साइज कैच इस तरह से लेना चाहिए था यहां पर। चंद्रकांत जोशी देखिए एक अच्छे खिलाड़ी थे लेकिन कभी कभी गलती हो जाती है भाई,
दो रन कंप्लीट करते हुए भाई, और व्हाइट का इजाफा भाई। कहते ना कुछ चीज सबक से मिलती है, कुछ चीज सबर से मिलती है, लेकिन यही जो सबर से सबक से मिला है, यहां पर बैटर को बात करेंगे स्ट्राइक पर हेमंत, देखिए घातक साबित हो सकते हैं। क्या छोड़ा गया भाई, और उसके बाद देखिए क्या बढ़िया वापसी यहां पर हरीश जोशी। देखिए इनके अंदर यही खासियत है, ये हमेशा अपनी लेन को बदलते रहते हैं। लाइन देखिए उनके पास ज्यादातर वही रहता है, अप स्टंप पार गेंदबाजी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो लेंथ है ना कि हमेशा ब्लॉक हॉल चुनते हैं। इस बार थोड़ा खींच कर रखे थे लेंथ को हेमंत, देखे इस बार मौका बनाया भाई। ओ ये क्या हो गया भाई, दोनों फील्डर पहुंचे, कैच भी छूटा और चौका भी गया। ओ हो मामा ठाकुर, अरुण भी गया और सपना सपना भी भाग गई। अब शंकर विहारी किसके साथ गाना गाएगा, डीजे वाले के साथ? ठोक डीजे। दोनों फील्डर आए, अब यह बात दिल्ली तक जाएगी भाई, क्योंकि अब ये टोटल बहुत आगे पहुंच सकता है। 39 देखिए 39 रन, उसके बाद देखिए लपेट लिया भाई, एक फ्लाइट रेट देखिए, झलक 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 दिखला जा 6 रन। सीधा झप्पी और ये जादू का झप्पी, स्कोर देखिए जाकर बड़ा तेजी से, और उसके बाद देखिए गेंदबाज की देखिए बात करेंगे, गेंदबाज थोड़ी सी निराश रहेंगे भाई, लेग 22 रन आता हुआ। गेंदबाज तो यही कहेंगे भाई, हमें अपनों ने लूटा, कहाँ गहरों में दम था, क्योंकि हमारे साथी खिलाड़ियों से गलती हुई है। लेकिन कोई बात नहीं, गलतियों को भूल जाइए, सबक को याद रखिए, क्योंकि जो कुछ हो गया मैदान में उसे भुला देना चाहिए। अभी क्या कुछ करना है आपको, अभी एक टारगेट की बात करेंगे ना, ये टारगेट देखिए 47 रनों का टारगेट, जहां गेंद नीचे रहती है फंस कर आता है। टारगेट इतना आसान तो नहीं रहेगा, लेकिन दुनिया में कोई भी चीज कठिन नहीं है। तो चलिए इससे साथ है दोनों कप्तान टॉस के लिए, निशान सर जुड़ जाइए टॉस बॉक्स पर, जहां पर साइज स्पोर्ट्स है खरभाव और उसके साथ है आई देवी उड़ून उगर के बीच में। देखिए मैच है, सेकेंड राउंड का खेला जाएगा। छोटा छोटा गलती देखिए यहां से 47 तक ले गया टारगेट को। तो थैंक यू, तर या ठिकाणी टॉस केला जाईल आई देवी वडून उगर आणि साई स्पोर्ट खारबाव। आदरणीय सन्माननीय विकासजी चौधरी आणि विनंती करतोय की आपल्या शुभ हस्ते आपण टॉस करायचा, दुसऱ्या फेरीतील पहिला सामना आपल्याला पाहायला मिळेल आई देवी वडू नवगर विरुद्ध साई स्पोर्ट खारबाव या दोन संघामध्ये। तर ग्रामपंचायत खारबाव पुरस्कृत हे टॉस बॉक्स आणि या टॉस बॉक्समधून या ठिकाणी टॉस केला जाईल। या तर नक्कीच दोन्ही संघाचे कर्णधार आपण या साई स्पोर्ट खारबाव संघाचा कर्णधार आणि आई देवी केवनी दिवे या संघाचा कर्णधार या दोन संघामध्ये आई देवी वडूनगर, कारण दिवे संघ इथे खेळतोय। तर नक्कीच या ठिकाणी टॉस केला जातोय आमच्या मान्यवरांच्या शुभ हस्ते, साई स्पोर्ट खारबाव आणि वडूनगर या दोन संघामध्ये टॉस केला जातोय। मैत्री ग्रुप आणि एका बाजूला स्पेशल ग्रुप, तर नक्कीच कॉइन स्पिन करायचं आहे आणि मैत्री आलाय, तर नक्कीच मान्यवरांनी विनंती करतोय आपण सन्मानपूर्वक व्यासपीठावरती जाऊन विराज म्हणायचं, आपलं हार्दिक स्वागत आहे। तर साई स्पोर्ट्स खारबाव संघाने टॉस जिंकलाय, काय निर्णय असेल? आम्ही पहिला बॉलिंग करू, चार षटकाचा सामना आहे, वडूनगर संघाची कामगिरी चांगली राहिली आहे,
मागील मॅच मध्ये खूप चांगली गोलंदाजी केली, अगदी जर पाहिलं तर 20 धावांवरती नांदकर संघाला रोखलं, तर या संघाला तुम्ही किती धावांवरती रोखणार या मॅच मध्ये? जेवढ्या कमी धावापर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न करता येईल तेवढ्या रोखण्याचा प्रयत्न करतो. या हंगामामध्ये वडुनगर संघाच्या विरोधात तुम्ही खेळला आहात का? हो नक्कीच, आमची मॅच झालेली ना, त्यावेळी मॅच जिंकलेली, तो बदला घेण्याचा प्रयत्न करू आम्ही, मैत्रीपूर्ण लढत होईल आमची. तर नक्कीच तुम्हाला देखील शुभेच्छा. या ठिकाणी प्रथम बॅटिंग करायच्या, मागच्या मॅचमध्ये देखील तुम्ही बॅटिंग केली आणि चांगलीच गोलंदाजी राहिली. खरं तर फलंदाजीमध्ये फारसं यश आलं नव्हतं, फक्त 37 धावा फलकावरती लागल्या. तर या मॅचमध्ये काही वेगळं रणनीती पाहायला मिळेल का? काय नाही सर, नॅचरल गेम खेळायचा प्रयत्न करू. फलंदाजीमध्ये जास्त कोणाकडून अपेक्षा असेल? कारण त्या मॅचमध्ये जर बॅटिंग तुमची अगदी खावली होती, चांगली बॅटिंगच होत नव्हती, तर कोणाकडून जास्त अपेक्षा असेल? प्रशांत पाटीलकडून. तर नक्कीच तुम्हाला देखील शुभेच्छा. टॉस जिंकलाय साई स्पोर्ट खारबावनं आणि प्रथम शत्ररक्षण स्वीकारलाय आणि आई देवी वडुनगर या संघाला शत्ररक्षण करण्यासाठी आमंत्रित केलाय. ओ टू कॉमेंट्री बॉक्स. तर नक्कीच या ठिकाणी स्वागत आणि सन्मान केला जातोय. आमच्या व्यासपीठावरती आदरणीय विकासजी चौधरी साहेब उपस्थित आहेत, त्यांचा स्वागत आणि सन्मान केला जातोय. मी मोनिश तरे दादांना विनंती करतोय की आपल्या शुभ हस्ते आपण स्वागत आणि सन्मान करायचा आहे. विकासजी चौधरी साहेबांचा स्वागत आणि सन्मान करायचा आहे आपल्या मुख्य व्यासपीठावरती. आणि स्पेशल ग्रुप खारबाव आयोजित मैत्री चषक 2024 आपलं हार्दिक स्वागत आहे. महाराष्ट्राचं महावस्त्र, मायची उब देणारी श्वाळ, आदर प्रेम स्नेह वाढवणारा पुष्पगुच्छ आणि या स्पर्धेची सदैव आठवण राहील असं सन्मान चिन्ह देऊन या मुख्य व्यासपीठावरती स्वागत आणि सन्मान केला जातोय. तो चलिए बात करेंगे टारगेट की, बात करेंगे टारगेट. देखिए यहाँ से 47 रनों की टारगेट है, लेकिन ईशान सर कहते हैं ना, अपने शीशा का महल तो बना लिया लेकिन जमाना पत्थर का है. टेनिस क्रिकेट में कितना भी रन बना लो, ये खेल चौके छक्के का. शुरुआत करने के लिए दोनों बैटर की बात करेंगे. विश्वजीत और भावेश की जोड़ी देखिए यहाँ से बात करेंगे. ओ ये क्या हुआ भाई, छोटी छोटी गलती से बचकर रहना होगा. निशान सर बात करेंगे ना, जब एक छोटा सा छेद बड़ी सी जहाज को डुबा सकता है, जिस टाइटैनिक जहाज को गुमान था कोई उसे डुबा नहीं सकता है, और पहली यात्रा में डूब गई थी, तो फिर एक छोटा छोटा गलती आपको बाहर निकाल सकता है. और ये चलिए भाई, यहाँ पर एकदम से सहला रहे थे वहां पर रिवर्स से, एक रन आता हुआ, रन कैसे भी आए टीम के लिए एक एक रन अहमियत रहती है. और अब देखिए विश्वजीत स्ट्राइक पर आते हुए, हल्के हाथों से देखिए यहां पर हेमंत, देखिए यहां पर बहुत बढ़िया बल्लेबाजी में भी काम किए. आखिरी में आकर देखिए 16 रनों का इनिंग्स खेले, और उसके बाद देखिए गेंदबाजी भी यहां पर बहुत अच्छा. शुरुआत कहती ना, किसी की मीठी बोल है तो किसी के दिल में झोल है, और ये दुनिया भी गोल है और हेमंत का यहाँ पर डबल रोल है. ओ ये चले कमाल का, देखिए लाइन लेंथ एकदम से, देखिए नजर से तीर चला रहे हैं भाई. यही तो बात छेड़ी मैंने कि ये दुनिया भी गोल है, हेमंत का यहाँ पर डबल रोल है. बल्ले में आखिर आखिरी समय में कुछ रन जोड़कर फाइटिंग टोटल तक पहुंचाया, और उसके साथ देखिए गेंदबाजी में जड़ में रखा अपील तेज, लेकिन से खारिज की अंपायर ने. लिखपाई से देखिए रन आता हुआ, ये लिखपाई का रन भी दर्द दे सकता है आने वाला समय वक्त में.
स्कोर जाकर पहुंचा यहां से 5 रन. और गेंदबाज प्रशिक बरतैया हवा में खेलने, यहां पर देखिए दो फील्डर्स के ऊपर से गेंद डीप कवर सीमा रेखा के बाहर पहुंचाते हुए 4 रन. सुजीत का गाड़ी चलता हुआ पम 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 4 रन. और विश्वजीत का देखिए अच्छा सोच है भाई, कहते ना जिंदगी में कुछ पाना है ना सिर्फ तरीका बदलो इरादा नहीं. उन्होंने सिर्फ पिछले दो गेंद से अपना तरीका बदले हैं, लेकिन देखते हैं यहां से इरादा कहां तक इनकी साफ है. तरीका तो बदल चुके हैं, लेकिन गेंदबाज देखिए बात रंग केदार इस बार देखिए लेग स्टंप से देखिए कलाई चलाए और फील्डिंग देखिए हल्की सी चूक नजरें हटी और दुर्घटना घटी. क्या बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए यहां पर विश्वजीत चौके का हैट्रिक लगाते हैं पर विश्वजीत. इसे कहते हैं दिल है नरम और खून में गर्मी है भारी. और विश्वजीत देखिए बल्लेबाजी कर रहे हैं लेवारी लगातार देखिए 3 चौका और टीम का स्कोर को पहुंचा दिए 17 रन तक. देखिए यहां से 18 के ऊपर देखिए लेग पर अपील बड़ा फेल था यहां से और बड़ी मछली जाल में फंसी यहाँ पर क्योंकि एक साझेदारी बन रही थी और उस साझेदारी को तोड़ने में कामयाब रहे. यहाँ पर गेंदबाज की बात करेंगे केदार का देखिए यहाँ पर एक दमदार विकेट उन्हें मिलता हुआ.
गेम को लेकर चलते हैं, ना सूरत देखते ना मूरत देखते हैं, ये तो टीम का हमेशा जरूरत देखते हैं। थोड़ा सा फील्ड में बदलाव किया जा रहा है, देखिए यहाँ पर हरी जर्सी के लिए खास करके यहाँ पर डिप कवर रखा गया है, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ काउ कॉर्नर भी रखा गया है। यहाँ से देखते हैं अब केदार के पास, देखिए अंतिम दो गेंद बचा है इस ओवर के। हरी जोशी देखिए आते ही देखिए एकदम हल्के हाथों से खेलते हुए शॉर्ट सिलेक्शन बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ से बात करेंगे निशांत सर, देखिए बात करेंगे ना, आजकल चौके छक्के लगाना किसी भी बैटर के लिए आसान होता है, लेकिन इस तरह के डिफेंसिव शॉट खेलकर सिंगल स्ट्राइक रोटेट करना इतना आसान नहीं रहता है, इसके लिए बहुत अभ्यास की जरूरत होती है। कहते हैं ना बगैर अभ्यास जब खेलोगे क्रिकेट तो कैसे मिलेगा विकेट। स्कोरिंग में जुड़े इस वक्त हमारे साथ पवन जी, स्वागत है आपका। गेंदबाज केदार तैयार यहां से, वो बढ़िया गेंद अंदर आया था यहां से, परेशान में डालते हुए यहां से विकेट विश्वजीत का निकलने के साथ साथ दो ओवर का खेल समाप्त हुआ है। दो ओवर की समाप्ति के साथ साथ टीम का स्कोर बात करेंगे 19 रन तक पहुंचे हैं, और अभी जीत के लिए देखिए बात करेंगे यहां से 28 की जरूरत है, अंतिम 12 गेंद बचाए। लेकिन कहती है ना सोना रखने के लिए लॉकर मिल जाएगा, पैसे रखने के लिए बैंक मिल जाएगा। यहां से अंतिम 12 गेंद में 28 रन बचाने के लिए देखते हैं कौन सा गेंदबाज का इस्तेमाल किया जाएगा। तब तक के लिए चलते हैं डीजे के पास। पहुंचने के लिए क्या हरी जोशी या भावेश की साझेदारी या और कोई बैटर से इंतजार करना पड़ेगा, और उन्हें रोकने के लिए देखिए यहां से बात करेंगे अजय को बुलाया गया है। भाई तो चलिए गेंदबाज तैयार, यहां से देखिए अजय हरी जोशी और जाल बिछाया था मिड विकेट पर। देखिए यहां से अजय को लगाया गया था यहां पर हरी जोशी को रुकने के लिए, जिस तरह की आपने तो देखा होगा पिक्चर जो गुज्जर को पकड़ने के लिए चंदनपुर में कौन सा लुमड़ियों का जाल बिछाया गया था, मेला, तो वो मेला लगाया गया था अजय का यहां पर, और बड़ा विकेट यहां से आउट होता हुआ बैटर हरी जोशी। बहुत बढ़िया सर, देखिए बाला सर पाटिल सर देखिए इस तरह के हंसते रहते हैं ना तभी तो क्रिकेट इस मुकाम तक है। यही तो बात छिड़ा भाई यहाँ पर गुज्जर को पकड़ने के लिए चंदनपुर में मेला लगाया गया था यहाँ पर, और यहाँ देखिए हरी जोशी को रोकने के लिए अजय को गेंदबाजी में लगाया गया था, और जाल भी देखिए कैसे बिछाया गया था, स्लोअर हेन और मिड विकेट तैनात था भाई। थोड़ा सा मिड विकेट को देखिए ट्रिप रखा गया था स्क्वायर लेग के करीब, और बात करेंगे आप नए बैटर्स। मयूर देखिए यहाँ पर नए बैटर की बात करेंगे, और इसके साथ देखिए हल्के हाथों से इनको खेलते हैं, पहला रन लेंगे दूसरे के लिए क्या भागेंगे यहाँ से, एस नो नहीं आखिरकार देखिए इनकार किए रन लेने को, एक रनों के साथ टीम का स्कोर जाकर पहुंचा
20 रनों तक देखिए अभी भी बात करेंगे 27 की जरूरत है। निशान सर कहते ना कौवे की चोंच मारने से पहाड़ में सुराग नहीं गिरता है, आप सिंगल डबल से कितना भी कोशिश कर लीजिए बहुत मुश्किल रह जाएगा मंजिल तक पहुंचने के लिए। अब देखते हैं भावेश, भावेश देखिए यहाँ पर हवा में खेने और यहाँ पर देखिए एक सेट बल्लेबाज भावेश का विकेट गिरता हुआ। हरीश जोशी के आउट होने के बाद बहुत कुछ उम्मीद लगाया गया था कि भावेश कैसे नैया को पार करा पाएंगे, लेकिन निशान सर कहते हैं ना दिल ने चाहा जिसे जान से ज्यादा, और कभी कभी वही रुलाती है सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा। बहुत बढ़िया देखिए यहां से खून बदल कर गेंदबाजी कर रहे हैं अच्छे। पहला रन दूसरे के लिए भाग धन्नु, बसंती का इज्जत का सवाल है क्योंकि एक बसंती 100 पे भारी पड़ी थी, तो यहां से देखिए दूसरा रन आता हुआ क्योंकि बसंती के पास उसके टांगे में था धन्नु, तेजी से लेकर गया था यहां से। और ये काम भी करना होगा भाई, हाइयों में ट्रैफिक है तो गली के रास्ते से निकल जाइए, हर गेंद पर चौके छक्के लगाना आसान नहीं रहता है। स्कोर 22 तक पहुंचा है, अभी भी 25 की जरूरत है। और ये चलिए ऊंचाई तो लिए क्या लंबाई लेकर जाएगी, ओ लंबाई भी लेता हुआ भाई, क्या कमाल की टाइमिंग यहाँ पर देखिए, जरूरत था इस बड़ा हिट का यहाँ पर। अब कहेंगे मुर्दे पे जाना नावता, इस मैच ने इस छक्के ने मैच को खोलता हुआ। पीछे आते ही देखिए पर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं पवन, इंतजार नहीं कर रहे हैं कि बाकी के खिलाड़ी के पर, और यही होना चाहिए। कहते ना जब चलना है खुद के पैरों पर तो भरोसा क्या करना गैरों पर। और एक देखिए फुल लेन का गेंद यहाँ पर एकदम फुल टच बनाकर खेला गया, एक रन आता हुआ दूसरे के लिए आंखों ही आंखों में भाई, और सेकेंड रन क्या जरूरी था यहाँ से भाई। और ये मयूर का रनआउट क्या बहुत बड़ा रनआउट हो सकता है क्योंकि कौन भूल सकता है 2019 10 जुलाई महेंद्र सिंह धोनी का रनआउट ने हिंदुस्तान वासियों का दिल तोड़ दिया था और कुछ लोगों ने भी रात का डिनर छोड़ दिया था। तो देखते हैं ये रनआउट कितना कठिन देकर जाएगा। और स्कोर देखिए 29 पर रुका है, और उसके साथ साथ देखिए बात करेंगे अब समीकरण की, 6 गेंद बचा है और 18 की जरूरत है। डीजे तो चलिए बात करेंगे यहाँ पर से ओलपाड़ा के, देखिए हम देख सकते हैं नेचुरल से हमारे गोल्डन मैन चेहरा, देखिए बात करेंगे उज्जल दादा पाटिल, देखिए यहाँ पर इस वक्त तस्वीर रखते हुए, और इस वक्त के देखिए बात करेंगे ओलपाड़ा के सरपंच नेचुरल से, चलिए बात करेंगे इसी वक्त देखिए सरपंच हमारे सौभाग्यवती होनी था
अनिल पाटील देखिए तशरीफ रखते हुए उनका भी स्वागत है यहाँ से। निशान निश्चित रूप से बात करेंगे दोपहर के समय। देखिए इस वक्त जिस तरह से मेहमान हमारे चेहरे यहाँ पर तशरीफ रखे हैं, पटाखों के देखिए आतिशबाजी होता हुआ यहाँ से। चलिए इस वक्त देखिए तो हस्ते हम देख सकते हैं, स्वागत है उनका। मैच में कुशल मोमेंट पे यहाँ से बात करेंगे। छह गेंद अब 18 की जरूरत है और जहां पर देखिए बात करेंगे कंपलसरी रन बनाना है। चंद्रकांत देखिए यहाँ पर स्ट्राइक पर व्हाइट का, जहां पर देखिए एक्स्ट्रा से और एक रन आता हुआ यहाँ से। तो नक्कीच या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे वल ग्राम पंचायतच्या विद्यमान सरपंच मॅडम आपल्याला पाहायला मिळतात, आदरणीय सौभाग्यवती वनिता अनिल पाटील मॅडम उपस्थित आहेत, त्यांचं आपण करूया हार्दिक स्वागत। आणि त्यांच्या सोबतीनं समाजसेवक वलपडा उज्ज्वल शेट पाटील देखील उपस्थित आहेत, त्यांचं देखील करूया हार्दिक स्वागत मैत्री चषक 2024 मध्ये। नाही बिलकुल निशान जी देखिए बात करेंगे शाम से पहले देखिए चांद घर पे तस्वीर रखते हुए रही तो हमारे लिए आईसीसी है बीसीसीआई है क्योंकि अगर ये टेनिस क्रेडिट इस मुकाम तक पहुंचे। चलिए रन आना बहुत जरूरी है यहाँ पर, अभी तक गेंद की बात करेंगे कोई गेंद नहीं हुआ है लेकिन रनों की बात करेंगे तो यहाँ से 3 रन खर्च कर चुके हैं। अब 15 की जरूरत है, 6 गेंद बचाए भाई। कहते ना खेल क्रिकेट का हो या खेल पबजी का, जीतता वही है जो आखिरी दम तक लड़ता है। ओ ये गेंद देखिए कम खेलना होगा भाई, कहते ना हल्दी लगाने की उम्र में सैनिटाइजर मत लगाइए, जहां पर टीम को जरूरत है रनों की। अब 4 या 5 गेंद देखिए यहां से रहता हुआ और जीत की बात करेंगे 15 की जरूरत है। क्या बढ़िया मुकाबला देखिए, एकदम कांटे का टक्कर होता हुआ स्ट्राइक पर देखिए बैटर की बात करेंगे। विजय देखिए एक चौके दागे हैं, एक छक्के दागे हैं, छक्का दागे डबल दा। स्लोअर गेंद से देखिए चाल में फंसा रहे हैं, क्या बढ़िया वेरिएशन दिखाते हुए गेंदबाज रोहित देखिए अपने 3 एक्स्ट्रा रन खर्च करने के साथ साथ है। उसके बाद रोहित बता रहे हैं भाई उजाला मिल जाए अपनी टीम को मैं अपना घर भी चला दूंगा, क्यों नहीं। देखिए गेंदबाज यहां पर एकदम से देखिए चमकते हुए। अब देखिए 4 गेंद 15 की जरूरत है और ये चलिए बड़ा हिट है 1K47 चरण। छक्का आने के साथ साथ देखिए अब 9 गेंद 9 रनों की जरूरत है, गेंद बची यहाँ से 3 गेंद से यहाँ पर। क्या बढ़िया मैच को करीब लाते हुए यहाँ से बैटर की बात करेंगे तो यहाँ से विजय देखिए बता रहे हैं भाई सुबह अभी जिंदा है, शाम अभी जिंदा है, दिल्ली कहता है कि मैच अभी जिंदा है, जब तक मैदान के अंदर विजय जिंदा है भाई। रंग खूबसूरत लगता है जब आता है होली और मैदान पर जब चलता है कि 47 की गोली। अब देखते हैं रोहित के ऊपर दबाव आता हुआ, क्या बढ़िया मुकाबला देखिए, मुसीबतों से लड़ोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। ओ जड़ में रखते हुए गेंद को देखिए यहां से, इसे कहते हैं ताश का जोकर और बुमराह का यर्कर, अक्सर मैच का पासा पलट देता है। अब 2 गेंद और जीत की बात करेंगे, 8 की जरूरत है जहां कंपल्सरी आपको 8 रन बनाना होगा। कौन भूल सकता है इस साल का 2 बड़ा हिट, 2 अच्छा फिनिश छक्का देखिए जहाँ नजीमुल्ला ट्रॉफी में रजत मुंडे वर्ल्ड फिनिश सर रहा रायगढ़ से चंबरली से देखिए ग्रामीण में खेलते हैं, लेकिन आखिरी 2 गेंद के ऊपर 2 छक्का दागने के साथ है मैच को बहुत बढ़िया फिनिश किया था। देखते हैं यहाँ से हीरो बनने का मौका है यहाँ पर बैटर की बात करेंगे। चंद्रकांत जहाँ पर पहला गेंद का सामना करेंगे, अरे चलिए 2 रन आया तो फिर कुछ मैच बनेगा भाई, क्योंकि 1 रनों से काम नहीं चलेगा। अब कंपलसरी 7 रन देखिए, नंबर 7 तो आना बहुत मुश्किल है। क्या वहां पर विजय को स्ट्राइक नहीं छोड़ना चाहिए था, एक सेट बल्लेबाज थे यहां पर। अब 1 गेंद 7 की जरूरत है
अगर छक्का भी खाते हैं तो मैच बचा लेंगे, क्यों नहीं। टीम है क्या शुरुआत दिए थे यहाँ पर टीम, लेकिन से छोटी छोटी गलती देखिए। ज्यादातर बात करेंगे तो इनकी डॉट गेन है ना, वो परेशानी बनाया। अगर आया एक एक्स्ट्रा गेन है, ओहो चिंगो चिंगो, अब कहानी में ट्विस्ट देखिए यहां से। अब ये गेंद चेक की जरूरत है भाई, क्या कर दिए गेंदबाज यहां पर, बहुत बड़ी गलती कर दी भाई। जैसे कहते ना, खाया गुटका और फोड़ा मटका और लगेगा अब 420 का झटका, क्योंकि एक गेंद अब छह की जरूरत है। अब देखिए चलता हुआ चर्चा, मैच कहां था, कहां पहुंच गया। देखिए यहां से निशान सर कहते हैं ना, जीत हमेशा आपको दिखाई देता है लेकिन हार कभी भी नहीं दिखाई देता है, इसलिए तो कहा जाता है हार और घास कहीं भी पैदा हो सकता है। अब एक गेंद छह की जरूरत है। बैटर की बात करेंगे, विजय देखिए यहां पर मैदान पर है। कुंडी मत खटखटाना, सन्नाटा है जमाना, हो सके तो एक छक्का, और गेंदबाज तो चाहेंगे भाई चौका भी लग जाए लेकिन छक्का ना जाए। मैच कांटों का हो चुका है, दर्शकों की धड़कने बुलेट ट्रेन जैसे धक 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 धक। ओहो, ये देखो फिनिश क्या भाई, आलू ही आलू नहीं, हम टमाटर का चटनी भी खाएंगे। रोहित विराट छोड़िए भाई, MS धोनी के जैसे मैच को फिनिश किया, खड़क छरन। तो चलिए बात करेंगे यहाँ पर, एक छोटा सा गलती देखिए यहाँ पर निशान सर, मैंने पहले ही बताया था जिस टाइटेनिक जहाज को भी गुमान था कि कोई उसे डुबा नहीं सकता है, लेकिन पहला यात्रा में टाइटेनिक जहाज डूब गया था। एक छोटा सा चीज जब बड़ी से जहाज को डुबा सकता है, एक छोटा सा गलती देखिए मैच से बाहर निकालता हुआ, और गेम चेंजर इनिंग्स इस मैच करे मैन ऑफ द मैच। डर तुझे कैदी बना कर रखेगा, खुलकर बल्लेबाजी कर तो सूर्या कुमार यादव बनेगा। एक सूर्या इनिंग विजय का, 3 छक्के के साथ इस मैच करें मैन ऑफ द मैच।